हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक कामाक्षी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं 2.0 चैनल बार की, जो कि बोट कंपनी का है, 60 वाट का। अगर इसके सीरीज़ की बात करें तो ये बार 1150 है। तो वीडियो आज कंप्लीट इसी बार के ऊपर होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या एक्सेसरीज मिलेगी। इस बॉक्स के ऊपर भी लिखा होता है, तो चलिए पहले एक बार देख लेते हैं। बॉक्स के ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या एक्सेसरीज मिलने वाली है। एक एविएटर बार मिलेगा, रिमोट मिलेगा, लाइन इन केबल मिलेगा, यूज़र मैनुअल मिलेगा, वारंटी कार्ड मिलेगा, एक्सेसरीज मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम बॉक्स के अंदर भी देख लेंगे, उससे पहले कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। अगर बार के फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे ये बार वायरलेस ब्लूटूथ वर्जन 5 को सपोर्ट करेगा, यूएसबी पोर्ट मिलेगा, साथ में एक कोएक्सियल पोर्ट मिलेगा और ऑक्स भी ये सपोर्ट करता है। तो चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स में हमारा ये चैनल बार है, उसी के साथ कुछ यहाँ पे एसेसरीज मिलती है। इसको ओपन करके देखते हैं एसेसरीज में क्या क्या है। अगर चैनल बार एसेसरीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको इसके साथ कुछ एसेसरीज जो मिलती है वो है, एक रिमोट कंट्रोल मिलेगा, इस रिमोट में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे पावर ऑन का, म्यूट का, इनपुट वॉल्यूम अप एंड डाउन का, बास आप सेट कर सकते हैं, 3D आप म्यूज़िक को चेंज कर सकते हैं, म्यूज़िक मोड दे रखा है, बहुत सारे इसमें फंक्शंस हैं। उसी के साथ यहाँ पर आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी बोट की तरफ से, इसके प्रोडक्ट की 1 ईयर वारंटी कार्ड मिलेगा, एक ऑक्स केबल मिलेगा, उसी के साथ आपको कुछ पिंस मिलेंगे इसको वॉल पे सेट करने के लिए। यहाँ पे ये दो स्टिकर्स दे रखे हैं, आप इजीली इसको चिपका सकते हैं अपने बार के ऊपर और ये स्टेबल रहेगा, आपके बार पे कोई निशान नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये यूज़र मैनुअल मिलता है, आप इसमें देख के आप देख सकते हैं कि बार को कैसे ऑन करना है, ऑफ करना है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, बहुत सारे इंडिकेशंस आपको मिल जाएंगे, जो लाइट है यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की लाइट जलती है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे ये यूज़र मैनुअल में मिल जाएगा। रिमोट को कंट्रोल कैसे करना है वो भी सारे फीचर्स इसमें दे रखे हैं। उसी के साथ आपको यहाँ पे 2 AAA बैटरी मिलेगी आपको रिमोट में इंसर्ट करने के लिए। चलिए फटाफट इस AAA बैटरी को इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमारा रिमोट तो तैयार हो गया है। इसी के साथ आपको एक और बॉक्स मिलेगा, इसमें कुछ क्लिप्स मिलेंगे आपके बार को वॉल पे लगाने के लिए। उसी के साथ आपको एक पावर एडाप्टर मिलेगा, जिससे आप इस बार में सप्लाई दे सकते हैं पावर की। तो चलिए फटाफट अपने बार को देख लेते हैं, बार की लुकिंग कैसी है। देखिए दोस्तों, ये है हमारा साउंड बार, जिसमें ऊपर की साइड आपको बोट यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ। अगर साउंड बार के लेंथ की बात करें तो आपको ये दिख रहा होगा लगभग 50 इंची की टीवी की, इतना बड़ा ये हमारा बार है। टोटल अगर लेंथ की बात करें तो ये 90 सेंटीमीटर का आपका ये बार है, बिल्कुल जेट ब्लैक में है ये बार। सामने की तरफ आपको बोट नजर आएगा। अगर इस बार की पॉलिथीन अगर हम हटा दें तो यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स आपके नजर आएंगे। अगर इसको हटाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ जैक्स आपको नजर आएगा बार में। बैक साइड में आपको DC इन का होगा, कोएक्स सपोर्ट होगा, USB पोर्ट मिलेगा आपको एक। बार के साइड में आपको एक ऑक्स केबल लगाने का होगा, वॉल्यूम प्लस माइनस का है और एक पावर बटन का है। तो चलिए एक बार पावर बटन ऑन करके देखते हैं कि क्या बार ऑन होता है। हमने पावर बटन को प्रेस किया बट ये बार ऑन नहीं हुआ, इट मीन्स इसमें बैटरी नहीं है, ये डायरेक्टली आपको इसमें सप्लाई देके इसको चालू करना होगा। अगर बार में नीचे की साइड आप देखेंगे तो आपको यहाँ सपोर्ट के लिए
स्टैंड दे रखे हैं, छोटे छोटे से स्टैंड दे रखे हैं। आप इस स्टैंड पे इजीली इस बार को रख सकते हैं अपने सपोर्ट के हिसाब से, और ये इजीली आपका बार यहाँ पे टिक जाएगा। तो चलिए फटाफट इसमें पहले पावर सप्लाई देते हैं, उसके बाद इसकी वॉल्यूम चेक करेंगे कि वॉल्यूम कैसा है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे पावर देंगे, यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक करेगी कि आपके बार में पावर सप्लाई इनबिल्ट हो गया है। अब इसको ऑन करते हैं, आप रिमोट से भी ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे जो फंक्शंस, एक फंक्शन की दे रखी है, आप वहां से भी ऑन कर सकते हैं। तो चलिए रिमोट से ऑन करके देखते हैं। देखिए जैसे ही मैंने रिमोट से ऑन किया, ये यहाँ पे ऑन हो गया। आप यहाँ पे देखेंगे लाइट यहाँ पे चेंज हो जाएगी और ये ऑन का इंडिकेशन आ गया। देखिए दोस्तों, हमने अपने साउंड बार को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पे देखेंगे लाइट ब्लिंक करने लग गया, इट मीन्स ये आपका कनेक्ट हो गया है आपके ब्लूटूथ से। अब जब हम इसको ऑन करेंगे इसकी वॉल्यूम चेक करने के लिए, चलिए इसकी वॉल्यूम चेक करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये चालू हो जाता है इजीली। आप इसका साउंड भी चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे अगर ये नॉर्मल सबसे वन पे है, अभी इसका साउंड सबसे वन पे है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आवाज़ इसकी हल्की फुल्की आपके पास आ रही होगी। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ इसकी आवाज़ कितनी तेज है। आप अगर इसके रिमोट फंक्शंस की बात कर लें कि यहाँ पे ये रिमोट इसका कैसे काम करता है, अब देखिए यहाँ पे रिमोट में थोड़ी सी एक दिक्कत यहाँ पे ये लग रही है कि जैसे हम यहाँ पे अगर वॉल्यूम कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ वॉल्यूम कम नहीं हो रहा। आपको यहाँ पे जो ये पावर बटन दिख रहा है जहाँ पे ये म्यूज़िक प्ले होता है और जहाँ लाइट जल रही है, वहाँ पे आपको इस रिमोट को मूव करना पड़ेगा, तब आपका वॉल्यूम यहाँ पे कम होगा। अगर हम बाकी साइड अगर रिमोट को करके चला रहे हैं तो यहाँ रिमोट चल ही नहीं रहा। आपको डायरेक्टली जो ब्लिंकिंग एरिया है वहाँ पे आपको रिमोट को मूव करना होगा, तब आपका ये पावर ऑन होगा, तब आपका ये वॉल्यूम अप या डाउन या कोई भी फंक्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 3D की बात करें, अब अगर मैं 3D पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखिए ये 3D में चेंज हो जाएगा आपका। अब जैसे मूवमेंट होती है 3D की, आप उस तरीके से आप यहाँ पे सुन पा रहे होंगे कि मूवमेंट आपकी यहाँ पे 3D वाली हो रही है म्यूज़िक की। उसी के साथ आपको यहाँ पे रिमोट में बास कंट्रोल का मिलेगा, आप बास बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग मोड मिलेंगे आपको म्यूज़िक के। अगर आपने इस साउंड बार में पेन ड्राइव लगा रखा है तो आप यहाँ पे म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। पेन ड्राइव लगाने के लिए आपको बैक साइड में पोर्ट दे रखा है USB का, अब वहाँ पे आपको पेन ड्राइव लगानी पड़ेगी, तब आप यहाँ पे म्यूज़िक ये कंट्रोल कर पाएंगे। आपको ये सारा फंक्शंस इस रिमोट में ही मिल जाएगा, आपको म्यूज़िक कंट्रोल करने का, पाउज करने का, बैक और फॉरवर्ड करने का, ये सारे फंक्शंस इसमें मिल जाएंगे। अगर इसकी MRP की बात करें तो बॉक्स पे आपको नज़र आएगा 9,990 रुपये। इसका जो प्राइस है 9,990 रुपये है, बट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से कर जाके इसको परचेज़ करते हैं तो यही साउंड बार आपको 4,000 से लेके 4,500, 4,300, 4,400 तक में आपको इजीली वहां पे मिल जाएगा। अगर आप इस साउंड बार को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक इजीली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाके इस साउंड बार को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप बोट का 10 वाट का स्पीकर भी परचेज करना चाहते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर आप बोट ट्रक भी 10 वाट का जो है उसकी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इजीली उस बोट ट्रक भी का अनबॉक्सिंग देख सकते हैं कि उसकी साउंड क्वालिटी क्या है, क्या क्या फीचर्स वहां पे अवेलेबल हैं और बोट ट्रक भी दिखने में कैसा लगता है, वो सारे फीचर्स वहां पे आपको दिख जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।